विंडोज़ फ़ोन क्यों बंद हो गया, पहले जान लेते हैं। विंडोज़ फ़ोन एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल था जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि यह अपने प्रमुख प्रतियोगियों जैसे एंड्रॉयड और iOS के साथ जो टक्कर थी इनकी, यानी कि प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, अतः अंततः इसको बंद कर दिया गया। इसका क्या कारण था बंद होने का, चलिए देख लेते हैं। बाज़ार में देरी से आना, यानी कि जब 2010 में विंडोज़ फ़ोन की शुरुआत हुई तब एंड्रॉयड और iOS पहले से ही बाज़ार में अपनी पकड़ बना चुके थे। दूसरा है ऐप्स की कमी। जिन लोगों ने विंडोज़ फ़ोन चलाया होगा उनको पता होगा कि विंडोज़ फ़ोन को या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप्स काफ़ी कम थे। ऐप स्टोर या विंडो स्टोर में ऐप्स की संख्या एंड्रॉयड और iOS के मुकाबले काफ़ी कम था, जिस वजह से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। तीसरा है हार्डवेयर सीमाएं। विंडोज़ फ़ोन के उपलब्ध हार्डवेयर विकल्प सीमित थे, यानी कि उसमें 2GB 3GB वाले रैम वाले फ़ोन बहुत ही कम या तो शायद आते ही नहीं थे, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी ज़्यादा दमदार नहीं था एंड्रॉयड और iOS के मुकाबले। माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति में बदलाव। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज़ फ़ोन की रणनीति में कई बदलाव किए, यानी कि विंडोज़ फ़ोन 7 आया, फिर उसको अपडेट किया गया 8 में, फिर विंडोज़ 10 हुआ, फिर भी वह सही एंड्रॉयड या iOS की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। निरंतरता में कमी। विंडोज़ फ़ोन में विभिन्न संस्करण की कमी आ रही थी अपडेट में, जिससे डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के लिए उसको मुश्किल हो गया सेलेक्ट करने में। बाज़ार की हिस्सेदारी। इन सभी कारणों से विंडोज़ फ़ोन की बाज़ार में हिस्सेदारी लगातार गिरती चली गई, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। और फिर सन 2017 में ऑफिशियली तरीके से अनाउंस कर दिया गया कि विंडोज़ फ़ोन को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि विंडोज़ फ़ोन को शट डाउन कर दिया जाएगा और जो भी संसाधन थे उनको अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यही कारण था कि विंडोज़ फ़ोन बंद हो गया और नहीं चल पाया। बात इतनी इस वीडियो में था। वीडियो में धन्यवाद।